बड़वानी पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के आरोप में दो आरोपियों के साथ ही एक नाबालिग को भी पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से हथियार सहित मोटरसाइकिल व मोबाइल भी जब्त किए हैं। घटना 23 मई की है, जब फरियादी रात को पेट्रोल पंप से राशि लेकर घर के लिए रवाना हुआ, तब रास्ते में दो लोगों ने उसके साथ मारपीट कर 1,00,000 रुपए लूट लिए थे। मामले की पतारसी करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिट्टी की खदान से 3 आरोपियों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से मोटरसाइकिल सहित अवैध कट्टे, कारतूस और मोबाइल भी जब्त किए हैं। देखिए, इसमें 23 मई को हमारे सेंधवा ग्रामीण थाने पर एक लूट की शिकायत आई थी। एक पेट्रोल पंप संचालक हैं, जो रात के लगभग 10:30 बजे अपना पैसा कलेक्ट करके जा रहे थे, तब एक सुनसान जगह पर इनसे लूट की वारदात कारित की गई थी। सनसनीखेज और गंभीर घटना को देखते हुए तत्काल ही हमने थाने पे धारा 392 394 IPC यानी कि लूट का अपराध पंजीबद्ध किया था, और थाने की टीम के साथ साथ हमने कुछ विशेष अधिकारी भी इस पे लगाए थे। हमारी साइबर की टीम भी लगी थी इसमें। जब हम इस प्रकरण की पतारसी में गए तो हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पास के गाँव के कुछ लोग हैं जो इसमें संभावित संदेही हो सकते हैं। जब हमने उनको राउंड अप किया और पूछताछ की तो पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। इसमें कुल 4 आरोपी निकल के आए, 2 आरोपी चेतन और राकेश हैं, 1 आरोपी जो 18 साल से कम उम्र का है और 1 अन्य आरोपी दिलीप है। इसमें से 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, 1 आरोपी अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और इन आरोपियों से हमने अब तक लगभग 70,000 रुपये नकदी, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, 1 देसी कट्टा जो डंडे मारपीट के लिए इस्तेमाल किए गए थे, इसके अलावा इनके पास से फोन और अन्य सामग्री भी बरामद की है। और प्रकरण में हमने 25-27 आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं का इजाफा किया है। जो एक गंभीर घटना थी जिसको हमारी थाने की टीम ने 1 सप्ताह के अंदर पूरा ट्रैक किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इसके लिए हम अपनी टीम को पुरस्कृत भी करेंगे।